बढ़ते अगली खबर की ओर। कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 दिन पहले अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में कामयाब रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांकेर पुलिस अधीक्षक ने मिली कामयाबी पर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी और मृतक पूर्व में एक साथ बोर गाड़ी में काम किया करते थे। उस समय रुपये पैसे को लेकर उनके बीच टकराव थी, जिसके चलते आरोपी ने घटना के दिन मृतक से उसकी मुलाकात हुई और उस दिन दोनों ने साथ मिलकर खाना भी खाया। तभी आरोपी को भनक लगी कि मृतक के पास रुपए हैं। तब आरोपी ने उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर जेब में रखे रुपए व मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिस पर पखांजूर पुलिस ने घटना का जांच करते हुए आरोपी को मानपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने अंत में पखांजूर पुलिस की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस अंधे कत्ल में की गई घोषणा की इनामी राशि भी पखांजूर पुलिस को दी जाएगी। 30 नवंबर 2021 के दिन पखांजूर स्थित उड़लकोट जो गाँव है वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी। मृतक की जो पहचान है वो बैसाखू राम टेकाम के रूप में की गई थी। मर्ग जांच के पश्चात धारा 302 यानी हत्या के अपराध का प्रकरण दर्ज किया गया था। तो फाइनली फिर हम लोगों ने जो इस पूरे घटना के आरोपी हैं घसिया राम पुड़ो, इसके पास बताया गया कि एक बाइक थी जो कि मृतक के पास थी। पूछताछ किया गया तो पूछताछ में इसने जो है अपराध करना कबूल किया है और इसने ये बताया कि ये लोग साल भर पहले बोर गाड़ी में एक साथ काम करते थे। उसके संबंध में कुछ इनका विवाद था। घटना के दिन ये दोनों साथ में मुलाकात हुई, साथ में बैठ के इन दोनों ने खाना वगैरह भी खाया और वहाँ पे जब इसको पता चला कि मृतक के पास में पैसे हैं तो इसके मन में लालच आया। इसने मृतक की हत्या करके, टंगिया से हत्या करके पैसे और वहाँ से जो बाइक थी वो लेकर के फरार हो गया। एक ब्लाइंड मर्डर को कम समय में निकाल करके जो संदेही जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया है। इसके लिए मैं पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। इसके बारे में सूचना देगा या जो भी कुछ सफलता दिलाएगा तो 5,000 का इनाम हमने डिक्लेयर किया था, तो वो इनाम भी फिर हम इस टीम Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोरतला, रायपुर।